हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक खन्ना और आज मैं वापस हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई रेसिपी के साथ जिसका नाम है सरसों का साग। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी लास्ट वीडियो जो हल्दी की सब्जी थी वो भी विंटर सीजन में आती है और ये सरसों का साग भी है जो विंटर सीजन में ही आता है और इसको खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें चार से पाँच चीज़ जाएंगी। टमाटर तो आप ले लीजिए, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको हम बिल्कुल विलेज स्टाइल में बनाएंगे, जो गांव का तरीका होता है, जो जहाँ पे मिक्सी नहीं होती थी, जब कुछ नहीं होता था तो लोग कैसे बनाते थे सरसों का साग। तो अभी मैं आपको पूरी उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो दिखाऊंगा। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये प्याज होते हैं ये हम आखिरी में ही डालते हैं, इसको बीच में नहीं डालना है आपको, इसको फाइनली चॉप करना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फाइनली चॉप। अगर बड़े बड़े रखेंगे तो वो मुंह में आएंगे, लेकिन जब हम प्याज को मैं इस छोटे छोटे चॉप कर लेते हैं तो वो पूरे सरसों के साग में घुल जाते हैं और उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं। दो प्याज बहुत हैं, जब हम तड़का लगाएंगे तब प्याज को उसके साथ डालेंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, और जब इसको बॉईल करते हैं तो भी हम सरसों, पालक और इसको और थोड़ा सा धनिया, इन सबको एक साथ हॉट वाटर में, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना है आपको, गैस के ऊपर रख दीजिए। दो चार मिनट बाद उसमें सरसों का साग जो आपने वॉश किया हुआ है वो डाल दीजिए। सरसों का साग, दो पालक, दो सरसों का साग, एंड अगर आपके पास बथुआ है तो फ्रेंड्स वो भी बहुत अच्छा है। बथुए से फ्लेवर थोड़ा उभर के आता है, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनेगा सरसों का साग। जैसा आपने प्याज चॉप किए थे वैसे ही लहसुन और मिर्ची को भी बिल्कुल छोटे छोटे उसमें आप चॉप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब वाटर बॉयल होता है और हम सरसों का साग डालते हैं, उसके साथ आप एक चम्मच या डेढ़ चम्मच नमक डाल दीजिए साथ में। और जैसे ही आपने नमक डाला, उसके साथ आप थोड़े से लहसुन, हरी मिर्ची, जितनी मैंने हरी मिर्ची ली है आप उतनी डाल दीजिए। मैंने तीन ली है, जो लोग तीखा खाने के शौकीन हैं वो चार से पांच डाल सकते हैं। और आपको डालनी है थोड़ी सी अदरक, जो अभी मैं आपको बताऊँगा थोड़े चॉप करके, वो भी आप छोटी छोटी काट सकते हैं, फिर हल्की हल्की स्लाइस कर सकते हैं उसकी लंबी लंबी, क्योंकि एंड में सब एक साथ ही मिल जाता है और हम इसको लास्ट में मैश करते हैं। फ्रेंड्स, ये अदरक फाइनली चॉप कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारी अदरक भी हो चुकी है, अब हम लास्ट में करेंगे थोड़े से टमाटर। टमाटर बॉइल वाटर में नहीं जाएंगे, इनको हम लास्ट में तड़के में यूज़ में लेंगे। रेसिपी बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, तो थोड़ा समय लग सकता है। ओके फ्रेंड्स, टमाटर को भी आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे प्याज, टमाटर और लहसुन, अदरक और मिर्ची तैयार हैं। मैं तीन लोगों के हिसाब से खाना तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक सरसों ली है, दो पालक, दो सरसों ली है। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है, हमने जो छोटे छोटे उसमें चॉप किए थे प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, और ये मैं तीन लोगों के हिसाब से बना रहा हूँ खाना। तो मैंने दो सरसों का साग लिया है, एक पालक लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, जो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सरसों, पालक और धनिया मिलाया और इसको मैंने तीन से चार बार चॉप करके, तीन से चार बार अच्छे पानी में धो के फिर इसको थोड़ा सा सोक किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स हमने 1 लीटर पानी लिया है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा लिया है, 1 लीटर से ज्यादा। अब इसको थोड़ा सा 4 से 5 मिनट थोड़ी सी इसमें से थोड़ी सी भाप आ जाएगी, उसके बाद हम इसको इसमें सरसों का साग जो भी हमने वॉश करके रखा हुआ था वो सब इसमें डाल देंगे और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको हम चलाएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पानी चढ़ा दिया गैस पे फुल फ्लेम में और इसको 4 से 5 मिनट हम ऐसे रखेंगे पानी को, और 4 से 5 मिनट बाद जब इसमें से थोड़ी सी भाप आ जाएगी उसके बाद हम जो सरसों का साग जो हमने वॉश करके रखा हुआ है, पालक सरसों एंड थोड़ा सा धनिया उसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स पानी गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें जो हमने वॉश किए हुए थे ये डाल देंगे। एकदम आपको उबलते हुए पानी में नहीं डालना है, जो आपने फुल फ्लेम में पानी थोड़ा सा हीट जैसे ही पकड़ेगा उसके बाद आप सरसों का साग इसमें डाल दीजिए। और फ्रेंड्स ठंड के मौसम में तो सरसों का साग, मक्की की रोटी और गुड़ खाने का मजा ही अलग है। मैं बिल्कुल आपको गांव स्टाइल वाला बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मिक्सी और वो कुछ भी नहीं हुआ तो भी आप फटाफट कैसे बनाएं। इसके लिए प्रिपरेशन पहले करके रखनी पड़ती है, अगर आप साथ साथ बनाएंगे तो कम से कम 45 मिनट्स लग सकते हैं आपको। तो आप पहले से ही सब चीजें चॉप करके रखी है इसमें, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का ही मेन खेल है इसमें। तब इसको थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स थोड़ी थोड़ी देर में आपको इसको चेक करते रहना है कि ये हुआ है कि नहीं सॉफ्ट। अभी ये थोड़ा सा बाकी है, इसको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं आराम से, इसको ढकना नहीं है बिल्कुल। अब इसी में जो आपने लहसुन अदरक और मिर्ची काटी थी वो आप इसमें डाल सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। थोड़े 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 बाद के लिए बचा के रख लीजिए, आप पूरे डालने तो पूरे भी डाल सकते हैं आप, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फ्रेंड्स एक चीज और, जो नमक है वो 1 चम्मच दिस मच क्वांटिटी, जिसको ज्यादा नमक पसंद है वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। इसको 10 मिनट और हम चलाएंगे, बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है कि नहीं है। इसको पूरा सॉफ्ट करना है और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम इसका पानी अलग करके सिर्फ जो ये सरसों है, पालक और हल्का सा धनिया जो मैंने डाला था इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, जो उसके बाद फिर हम कढ़ाई में इसको पूरा अच्छी तरह से मैश करेंगे। आगे भी एक चीज और नई आने वाली है आपके साथ जो इसका टेस्ट दुगना कर देगी, वो मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स इसको थोड़ी थोड़ी देर में आपको चेक करते रहना है, 2 मिनट इसको थोड़ा सा स्टिर करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से बॉईल हो जाए और लहसुन अदरक का फ्लेवर इसमें पूरा घुल जाए। उसके बाद हम इसका पानी अलग करके जो सरसों है, पालक और जो हमने मिक्स किया है इसको हम अलग बाउल में लेके फिर उसको डालेंगे कढ़ाई में और कढ़ाई में करेंगे मैश, जिसमें लहसुन अदरक सब कूट कूट के उसमें सब मिक्स हो जाएगा और फिर देगा आपको ये फ्लेवर। मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक देता हूं, अब हम इसको 5 मिनट बाद ओपन करके देखेंगे कि ये बॉईल हुआ है कि नहीं। फ्रेंड्स हम इसको खोल के देखेंगे, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और इसको हम एक बार से स्टिर कर लेंगे 1-2 बार और 2 मिनट के लिए और ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन गैस की फ्लेम तो जैसे आप जानते ही हैं और रेस्टोरेंट की फ्लेम में बहुत अंतर होता है, तो इसको 2 से 3 मिनट हम और रख देंगे। वापस से इसका ढक्कन लगा के सिर्फ 2 से 3 मिनट और रखेंगे और उसके बाद हम इसका पानी हटा देंगे।
फ्रेंड अब ये हो चुका है, अब हम इसका पानी अलग कर देंगे और इसको अलग बाउल में छान के इसको अलग कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि सरसों का साग है तो नदुम लास्ट में जाएगा, घी और मक्खन डाल सकते हैं आप, लेकिन जब इसको हम कढ़ाई में डालेंगे तो आप इसमें हल्के सरसों का तेल का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इसको फ्राई करेंगे और मैश करेंगे। फ्रेंड्स अब इसको हम छान लेंगे, इसका पानी यूज नहीं करना है आपको वापस। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम इसको कढ़ाई में लेके हल्के सरसों के तेल में इसको मैश फ्राई और मैश करेंगे। फ्रेंड्स हमारा सरसों का साग बिल्कुल रेडी है कढ़ाई में उतरने के लिए। फ्रेंड्स कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम थोड़ा सरसों का तेल लेंगे। हमने सरसों का तेल डाला है जो कि अब गर्म हो चुका है। लहसुन अदरक और मिर्ची ये डाल दीजिए। फ्राई करेंगे इसको। रेसिपी जल्दी ही तैयार होने वाली है, सरसों का साग विलेज स्टाइल। फ्रेंड्स प्याज डाल दीजिएगा जो हमने पहले ही चॉप करके रखे थे। इसको हल्का सा ब्राउन होने दीजिए, हल्का सा ब्राउन होने तक का वेट करेंगे हम उसका। हल्का सा लेकिन गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। फ्रेंड इसमें हम थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालेंगे और चुटकी भर लाल मिर्च। ज्यादा भी नहीं डालनी है नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। सिर्फ फ्लेवर लाने के लिए हम इसका डाल रहे हैं। इसमें आपको कोरिएंडर पाउडर यूज नहीं करना है, हल्दी और आप यूज कर सकते हैं, कस्तूरी मेथी भी यूज नहीं करनी है। बाद डालेंगे टमाटर। फ्रेंड उसमें डालेंगे टमाटर और हल्का सा नमक ताकि ये जल्दी से गल जाए। हल्का सा नमक डालना है आपको चुटकी भर। ये चीज खत्म नहीं हुई है और इसमें आपको इसको टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची और प्याज को हल्का सा मैश करते हुए आपको फिर सरसों के साथ जो आपने पहले करके रखा हुआ है वो इसको मिक्स कर देंगे। इसको मैंने मैश कर लिया है टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्ची और दोस्तों इसको तीखा खाने में ज्यादा मजा नहीं है, मुझे मसाला रहे तो इसमें पाउडर ये सब कुछ डालना भी नहीं है। इसमें नॉर्मल मसाले अपने हल्दी नमक और लाल मिर्च गाँव में तो किसको पता है कोरियन पाउडर क्या होता है, लाल मिर्च नमक और इसमें ही ये यूज करते हैं।
फ्रेंड्स काफी हद तक हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें सरसों का साग मैश किया हुआ, हमने जो मसाला तैयार किया उसके साथ भी थोड़ा सा इसको आप मैश कर लीजिएगा ताकि सारे इंग्रीडियंट्स मिक्स हो जाए सरसों के साथ में, तो उसका फ्लेवर ही अलग आता है। यह है देसी गांव का सरसों का साग। फ्रेंड जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का, अगर कुछ में से मिस हो गया है रह गया है तो आप मसाले बताएंगे, तो बिल्कुल मैं अगली बार बनाने की कोशिश करूंगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तड़का मार सिर्फ इसमें तड़के की जरूरत है और हम मारेंगे तड़का घी का। इसमें घी और सरसों तेल का ही मेन काम है। ये हो चुका है 99%। फ्रेंड्स मैंने तड़का लगाने के लिए छोटी सी कढ़ाई ली है जिसमें हम घी में घी डालेंगे 1 चम्मच। आप घी की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। घी में खाने का इसका स्वाद अलग ही है और मक्खन में, मक्खन अगर मैं खाना चाहते हैं तो नमक आप थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि मक्खन में पहले से ही नमक होता है, तो थोड़ा इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च, तीन से चार छोटी खड़ी लाल मिर्च, थोड़े से लहसुन, हल्का सा इसको हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसको हम डालेंगे साग में। फ्रेंड्स हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है, जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल घी और सरसों तेल में बनाइए। इसमें लास्ट में आप तड़का लगाइएगा, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त बना है। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.